नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। यात्रा पर जाना हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। पहले यात्रा शब्द का प्रयोग धार्मिक संदर्भ में किया जाता था। एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्री कहा जाता था। हम सभी जानते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ये 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुआ और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये फरवरी की शुरुआत तक चलेगा। ये अलग बात है कि राजस्थान की घटनाओं के कारण कई लोग मजाक में पूछ रहे हैं, क्या ये यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा बनकर रह जाएगी क्या? जो कुछ होगा वे आने वाले महीनों में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से हमें राजनीतिक यात्राएं निकालने की एक लंबी भारतीय परंपरा पर चर्चा करने का मौका मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए चलना आम तौर पे एक व्यक्ति की महान कमिटमेंट को दर्शाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं किया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है। 1920-21 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला मास मूवमेंट था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा विरोध बंद करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन धीमा हो गया। 1920s का पूरा दशक उसके अंत तक कई घटनाओं के कारण आजादी की लड़ाई पुनर्जीवित हो गया। महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया डांडी मार्च संभवतः सबसे बड़ा कारण था। आधुनिक युग में डांडी मार्च पहली पॉलिटिकल यात्रा थी जिसने तात्कालिक सरकार को हिलाकर रख दिया और बड़े पैमाने पर जन जागरूकता या मास कॉन्शियसनेस पैदा की। 12 मार्च 1930 को जब 61 वर्ष के थे तब महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी 5 अप्रैल तक वहां पहुंचे थे डांडी में। इस विरोध यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है और इसने ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल एक तरह से बड़ी चुनौती दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया था। हम 1927 से इसके रिजरेक्शन को देखते हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा, क्योंकि 1920 और 20 में जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे वो लगभग एक दशक होने को आया था। जैसा कि सभी जानते हैं, दिसंबर 1929 को लाहौर में अपने अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। मांगों को पूरा कराने के लिए ब्रिटिश सरकार को 11 बिंदुओं का एक चार्टर भी सौंपा गया। नमक पर कर यानी कि टैक्स समाप्त करने इनमें से एक पॉइंट था। इस छोटी सी मांग का इस्तेमाल गांधी जी ने दुनिया भर के लोगों को उत्साहित करने के लिए किया। डांडी मार्च, जो सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की शुरुआत भी थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद सवाल एक ही बचा था, हिंदुस्तान को आजादी कब और कैसे मिलेगी? गांधी जी ने एक बार कहा था, एक सत्याग्रही चाहे स्वतंत्र हो या कैद में हमेशा विजयी होता है। स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए भूमि मालिकों को प्रेरित करने का पहला प्रयास था। इस आंदोलन का लीडरशिप अहिंसा और मानव अधिकारों के एक महान एडवोकेट आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें गांधी जी का स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जाता था
और भूदान आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन पाने के लिए उन्होंने पूरी भारत की यात्रा की। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूमि का पहला दान मिला था। भूदान यात्रा वहां से शुरू हुई और 18 महीने तक चली। भावे जी देश भर में घूमे और जमींदारों को अपनी जमीन का कुछ एक छोटा सा हिस्सा जोतने वालों को दान दिए जाने के लिए उन्होंने राजी कर लिया। इस वर्ष आचार्य विनोबा भावे की 40वीं पुण्यतिथि भी है, लेकिन 1960s के दशक में निस्वार्थ संघर्ष के इस रूप ने रेलेवेंस खो दिया। राजनीतिक यात्राओं का सिलसिला 1982 में फिर से शुरू हुआ जब एक प्रमुख तेलुगु फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता एनटी रामाराव ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 29 मार्च 1982 में राज्य में कांग्रेस के विकल्प में रूप में टीडीपी की स्थापना की। उन्होंने एक कस्टमाइज्ड वैन पर राज्य का दौरा करना शुरू किया और इसका नाम पड़ा चैतन्य रथम। ये भारत की पहली मोटराइज्ड पॉलिटिकल यात्रा थी। भारत में आधुनिक राजनीतिक काल में एनटीआर सभी यात्रा करने वालों में पायनियर थे। एनटीआर की यात्रा ने आंध्र प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य को बिल्कुल बदल दिया। अगले विधानसभा चुनाव में टीडीपी पावर में आ गई। 9 जनवरी 1983 को वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए। एनटीआर की सफलता को देखने के बाद चंद्रशेखर ने 1983 में देश भर में 6 महीने की लंबी पदयात्रा निकाली। दरअसल 1977 में अपनी चुनावी हार के बाद इंदिरा गांधी 1980 में फिर से सत्ता में लौट आई थी, लेकिन उनकी परेशानी 1982 के मध्य से बढ़ने लगी। पंजाब में उग्रवाद, प्राइस राइज, लोगों में अशांति, कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे थे। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ साथ चुनाव कर्नाटका में भी हुए थे। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला जब नतीजे आए और जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बन गए। कुछ महीने पहले तक अनचैलेंज स्थिति से इंदिरा गांधी की स्थिति अचानक कमजोर दिखाई देने लगी। इस पृष्ठभूमि में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी मैराथन भारत यात्रा 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी, जी हां, जहां से राहुल गांधी ने भी शुरू की, वहां से चंद्रशेखर ने भी शुरू की थी। ये बात अलग है कि औरों ने भी शुरू की, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, बाद में हम इसका जिक्र करेंगे। भारत यात्रा अपने उद्देश्य में सफल रही और चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर के आ गए। लगभग 4,260 किलोमीटर की यात्रा के बाद चंद्रशेखर ने 350 पिछड़े जिलों में काम करने का संकल्प लिया। उन्हें यात्रा में भारी समर्थन मिला था और वे रिसोर्सेज जुटाने में भी सक्षम हुए थे, क्योंकि आम लोगों ने भी पैसा दान किया था। लेकिन घटनाओं ने उनकी एम्बिशंस को कर्टेल कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को चंद्रशेखर भोंडसी हरियाणा के अपने आश्रम में वहां थे जब उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनी। बाद की प्रो कांग्रेस और पैरानॉइड नेशनलिज्म की इलेक्टोरल लहर ने उनके भारत यात्रा से प्राप्त गेन्स और पॉपुलैरिटी को मिटा दिया और उस वर्ष के आम चुनाव में वह बलिया से अपनी सीट भी हार गए। 1987 में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त, वो बाद में पॉलिटिक्स में भी आए थे, उन्होंने भी चंद्रशेखर की तरह मिशनरी जील का प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब में अशांत राज्य में शांति के लिए एक अभियान चलाने के लिए प्रयास किया और मुंबई से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 78 दिन की पदयात्रा निकाली। 1987 तक
भारत के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। 1989 के सितंबर महीने में, लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ ही महीने पहले, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में सैकड़ों छोटी, मीडियम और बड़ी रामशिला यात्राएं निकाली। कई शहरों में बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार के भागलपुर जिले में सबसे बड़ा रायट उसका अखाड़ा था। लगभग एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली, जो संभवतः इस देश की डांडी मार्च के बाद सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ठीक उसी तरह आडवाणी ने सेक्युलर भारत की नींव हिला दी। आज मेजॉरिटेरियनिज्म की जो लेजिटिमेसी है, उसका श्रेय बहुत हद तक इस यात्रा को जाता है। एलके आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू की थी। यात्रा के गुजरात चरण के प्रबंधक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय वे गुजरात में भाजपा के राज्य समिति के एक ऑफिस बेयरर थे। आडवाणी के यात्रा के बाद 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली थी, वही कन्याकुमारी से जाकर शुरू किया था और श्रीनगर तक के लिए एकता यात्रा उसका नाम था। उस वक्त तक मोदी जी का प्रमोशन हो गया था और वे इस यात्रा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो चुके थे। उसके बाद आडवाणी जी ने कई अन्य यात्राएं भी निकाली, लेकिन कोई भी उतना सफल नहीं रहा। यदि हम सब राजनीतिक यात्राओं को लिस्ट आउट करना शुरू करते हैं जो NTR द्वारा पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने के बाद निकाली गई, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, शायद एक घंटे से भी अधिक। ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी यात्रा सक्सेसफुल होगी और कौन सी असफल रहेगी। ये कई पहलुओं पर निर्भर है। यात्रा की प्लानिंग कैसी रही, अन्य राजनीतिक घटनाएं क्या रहे, और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज क्या है और लोगों तक इसे प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया या नहीं। राहुल गांधी के पास मौका है, ये हमें देखना है कि क्या वे इसका सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं। नमस्कार।